इस वीडियो के अंदर हम लोग और एक लोन ऐप्स के अंदर मतलब सारे लाइफ अप्लाई करेंगे और हम लोग उसको लोन लेंगे। हम लोगों को लोन कितना मिलती है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी, और इसको क्या क्या प्रोसेस होता है सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि कम से कम मतलब समय के अंदर आप लोगों को पूरा वीडियोस को मतलब दिखाने के लिए। ओके, तो इस ऐप को मैं ओपन कर लिया हूँ और कैश मतलब ये ऐप का नाम भी आप लोग देख लिया, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये एंड्रॉयड बेसिस ऐप है और बेसिकली मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर से लॉगिन करना होगा। मैं उसको फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, फ़ोन नंबर से लॉगिन करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP आप उसको एंटर कर दीजिएगा। मेरे पास ये दूसरा सिम कार्ड में OTP डाल रहा हूँ ताकि मेरे मतलब सारे डाटा सेव रहे, क्योंकि हो सकता है ये भी हो सकता है कोई ऐप जो है लोन नहीं दे सकता, हो सकता है कोई डाटा कलेक्शन कर रहा हो, तो इसलिए सारी चीज़ सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं मतलब अलग अलग डिवाइसेस में मतलब काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको OTP डाल दिया हूँ, और OTP डालने के बाद यहाँ पे लोन अमाउंट बता रहे हैं कि यहाँ पे 20,000 रुपये, 20,000 रुपये काफ़ी बड़ा एक रकम होता है। एनीवे, मैं इसको सीधा इसको करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है कि आधार कार्ड आपको फ्रंट एंड बैक साइड आपको डालना होगा। जो पहला वाला जो ऑप्शन है ये फ्रंट का है, मतलब सामने वाला ऑप्शन, ओके। और दूसरा जो है वो है आपको बैक साइड आपको डालना होगा। डोंट वरी, आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक स्कैन कर लेती है। ओके, तो आप इसको मतलब सिर्फ आपको ओपन करना है और परमिशन अलाउ करना है। मैं परमिशन अलाउ करता हूँ, और यहाँ पे जो आधार कार्ड है मैं उसको मतलब स्कैन करवा लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा आधार कार्ड स्कैन हो जाएगा आई थिंक। तो ये मेरा आधार कार्ड सक्सेसफुली स्कैन हो गया है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आधार कार्ड बैक साइड। तो आधार कार्ड बैक साइड अभी स्कैन होने वाला है, तो ये बैक साइड अच्छे से यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम होल्ड करना होगा। तो ओके, तो मेरा ये सारी चीज़ स्कैन कर लिया और सारी चीज़ ऑटोमेटिकली मतलब ये हो गए। तो अभी आती है यहाँ पे पैन कार्ड। तो पैन कार्ड भी आपको सेम टू सेम आपको स्कैन करना है। मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। तो ये मेरा पैन कार्ड स्कैन होने वाला है, तो प्लीज़ होल्ड। ओके, तो ये मेरा पैन कार्ड स्कैन हो गया है। तो अभी चलता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे एक लाइव पिक्चर आपको देना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको अपने मतलब फेस की लाइव फ़ोटोज़ देना होगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे लाइव फ़ोटो मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे मेरे स्टेटस, आपकी जो मतलब अगैरह वगैरह, आपकी कंपनी का नाम क्या है, सैलरी क्या है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और भी आपकी कंपनी का ऑफिस ईमेल एड्रेस है क्या, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी क्या है, वही सारी चीज़ आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ मैं मतलब एंटर कर देता हूँ, और ताकि आप लोगों को समय बच सके इसलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक। और हाँ, इसमें जो आपको सैलरी जो मिनिमम आपको ऐसा कोई मतलब जो फिट नहीं है कि आपकी सैलरी इतना होना चाहिए। इसमें आपको मिनिमम 15,000 से भी नीचे 10,000, 8,000 जितने भी हैं आपको चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको 15,000 से नीचे है तो आपको 15-15 मतलब ऐसे एक माइनस करके आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। और आपकी मतलब ज़्यादा है तो आप उसको 15-25 ऐसे चूज़ कर सकते हो। अगर 25,000 से भी ज़्यादा है तो 25-50 आप उसको चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लगभग बहुत फास्ट किया है वीडियो, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितना फास्ट किया है। तो यहाँ पे 2 नंबर मतलब 3 नंबर देना होगा। मैं यहाँ पे डोंट वरी, मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब अच्छे नंबर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे नंबर ऑफ़ है, और पता नहीं ऑफ़ है या पता नहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ, ठीक है। और ये नंबर दे रहा हूँ, और इसको नंबर देने के बाद यहाँ पे तीनों नंबर कलेक्ट होने के बाद बेसिकली फ्रेंड एंड ब्रदर और किसी आपके जो मतलब कज़िन वगैरह है वो आप नंबर दे सकते हो। और बेसिकली आप जेन्युइन लोन ले रहे हो तो आपको उसको ऑब्वियसली अच्छे नंबर दीजिए, क्योंकि हो सकता है रिव्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको नंबर दे दिया हूँ। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे IFC कोड और नेम वगैरह सब कुछ मांग रहते हैं। यहाँ पे IFC कोड वगैरह मैं यहाँ पे उसको अच्छे से एंटर कर देता हूँ, क्योंकि अगर अच्छे से अगर लोन दे ऑफिशियली मतलब अगर लोन देगी तो मेरे को बैंक की डिटेल्स अच्छे से भरना होगा, तब जाके मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे IFC कोड डाल दिया हूँ, और यहाँ पे जो होल्डर नेम है आपके अकाउंट में, जो नाम है अकाउंट का नाम, वो आपको यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा अपनी चीज़ बंदे के नाम से मतलब लोन अप्लाई कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट सेम टू सेम नाम हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि लोगों की नाम बैंक के नाम अलग है और लोन जो अप्लाई कर रहे हैं वो नाम अलग है, तो इस वजह से काफ़ी लोगों को लोन नहीं मिलता है। तो ध्यान पे रखिएगा। और यहाँ पे लास्ट में मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। तो इस अकाउंट नंबर ज़्यादातर मैं पैसा गेटवे और मतलब रिसीव करता हूँ इसी अकाउंट से, क्योंकि ये ज़्यादा इसी अकाउंट से करता हूँ, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम देना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। ओके, तो मैं इसको यस करता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे बता रहा है कि मेरा 20,000 रुपये लोन अमाउंट, और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट। ओके,
तो यहाँ पर बता कि ये सबमिट हो चुका है और कुछ ही मिनट के अंदर मेरी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाएगी। और डिपॉजिट हो जाएगी तो कितने टाइम के अंदर मेरे को पता नहीं है। एनीवे अगर मेरे अकाउंट पे डिपॉजिट हो जाएगी तो मैं आप लोगों को तुरंत आप लोगों को मतलब कम्युनिटी पे आप लोग बता दूँगा हाँ मेरी अकाउंट पे पैसा रिसीव हो चुका है और सक्सेसफुली पैसा आ चुका है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो इस वीडियो के अंदर मतलब इस ऐप के अंदर, और आप पहले देख लें इस ऐप का नाम क्या है, सारी चीज़ मैं दिखा दिया। और आपको अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो, कोई बात नहीं। और प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या हुई थी, आप उसको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपका मतलब आंसर ज़रूर मैं करूँगा, मतलब पिकअप करूँगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो मतलब हल निकालने के लिए कोशिश करूँगा। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।